और निकाय चुनाव का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। वार्ड पार्षद रोशनी खलको और अरुण झा ने एचसी में रीट याचिका दायर की है और इस याचिका में वार्ड पार्षदों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है और साथ ही जल्द निकाय चुनाव भी करवाए जाने की इनकी तरफ से मांग हुई है। तो आपको बता दें कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग इन पार्षदों की तरफ से की गई है। निकाय चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है जहां पर वार्ड पार्षदों ने कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अपनी मांग रखी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, नगर निकाय चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है, वहीं कई वार्ड पार्षदों ने अब कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी अब अपनी आवाज बुलंद की है। अभी बिल्कुल जिस तरीके से देखे, कल रात 12 बजे निगम का कार्यकाल पूरे राज्य में खत्म हो गया, उसके बाद से ही लगातार मांगे चली आ रही थी। इससे पहले भी मांग आ रही थी, हो रही थी कि सरकार के कार्यकाल है उसका एक्सटेंशन दे, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया गया। हालांकि जो प्रशासक है, प्रशासन के अध्यक्ष को पूरा कार्यभार संभाल दिया गया था। तो अब जो है कि पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। दो पार्षदों ने रीट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है, रोशनी खलको और एक अन्य पार्षद ने, और उन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराया जाए और जो निकाय चुनाव की कार्य अवधि उसको 6 महीने के लिए विस्तार किया जाए और 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करा लिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो नौकरशाही हावी हो जाएगी, जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है। जनता पर नौकरशाही हावी कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट इस याचिका को सुनवाई करता है और क्या कुछ निर्देश देता है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो रीट पिटीशन झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया गया। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो लगातार अब वार्ड पार्षद जो हैं वो कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब ये मामला जो है वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है।